नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। गाइड फैमिली में आपका स्वागत है। द गाइड पब्लिक स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। थैंक यू। धन्यवाद मैम। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे रहेगा कि आपको द गाइड फैमिली के स्वच्छता अभियान से जुड़कर कैसा लगा? मैम, मेरे को बहुत अच्छा लगा गाइड स्कूल के साथ स्वच्छता अभियान में जुड़ के। मैं जब इधर आया तो मैंने देखा कि सभी बच्चे अपने गाइड स्कूल के परिसर में अच्छे से सफाई कर रहे हैं, प्लास्टिक वगैरह का और जो भी गीला और सूखा कूड़ा है उसके रख रहे हैं डस्टबिन में। इधर की ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है। बच्चों ने बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लिया और मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। सर, स्वच्छता अभियान बनाने का आपका उपलक्ष्य क्या उद्देश्य रहा आपका कि इस कार्य को आप करें, बच्चों के साथ जुड़े, बच्चों को कोई संदेश आप देना चाहते हो? जरूर मैम, एक्चुअली जो ये अभियान है मोदी जी के द्वारा चलाया गया 2014 से जिसे प्रारंभ किया गया है, ये खासकर महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर बनाया जा रहा है। तब से लेकर आज तक स्वच्छता में बहुत सारे सुधार हुए। आपने देखा होगा कि पहले कूड़ा साफ सफाई में इतना ध्यान नहीं दिया जाता, जब से ये अभियान चलाया जा रहा है तो कूड़े का सही तरीके से निष्पादन किया जा रहा है। इसमें जैसे गीला और सूखा कूड़े को अलग अलग किया जा रहा है। जो गीला कूड़ा होता है उसकी हम खाद बनाते हैं, क्योंकि गीला कूड़ा जल सड़ जाता है तो आराम से वो खाद में और डिस्पोज करने के। मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, कूड़े की कैटेगरी होती है दो प्रकार की। एक होता है गीला कूड़ा। गीला कूड़ा ऐसा होता है जो गल सड़ जाता है, कोई भी आपके जैसे किचन वेस्ट हो गया, खाना हो गया आपका, फ्रूट हो गए, पत्ते हो गए, कोई भी ऐसी चीज़ जो गल सड़ जाती है वो किस में आ गई? आपके गीले कूड़े में। समझ रहे हो ना आप? मैं यही चीज़ आपसे फिर से पूछूंगा, समझ गए? गीला कूड़ा क्या हो गया? सूखा कूड़ा ऐसा होता है जो मतलब गल सड़ नहीं सकता, जैसे आपके प्लास्टिक हो गया, कपड़े हो गए, जूते हो गए, तो ये आ गया आपके सूखे कूड़े में। अगर हम इसको अपने एनवायरनमेंट ऐसे फेंक देंगे तो आपने देखा होगा प्लास्टिक की बोतलें, लिफाफे गलते सड़ते नहीं है। ये आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद भी आपको ऐसे कैसे ही देखेंगे। तो इसको तो ये क्या करेंगे, अगर ऐसे रहेंगे तो उधर क्या होगा, हमारे जो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, जो जमीन है वो उपजाऊ नहीं होगी, तो उपजाऊ नहीं होगी तो हमारे को खाना नहीं मिलेगा, बढ़िया से हवा नहीं मिलेगी। अगर पानी के जगह पे रहेंगे, पानी के स्रोत के पास रहेंगे तो उसका जो दुष्प्रभाव है वो होता रहेगा, लेकिन वो जल्दी से डिस्पोज नहीं होगी। तो इसका प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना जरूरी है। तो आपने आगे से यही ध्यान रखना है कि गीले कूड़े को आपने अलग डस्टबिन लगाना है, सूखे के लिए अलग लगाना है, और जब भी हमारा सफाई कर्मचारी आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में कूड़ा लेने के लिए आए तो आपने दो डस्टबिन में उसको कूड़ा देना है, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। बस मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने।